दमन को बचाने के लिए, हिंदुस्तान नागरिक नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार परिवार को बचाने के लिए, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगते ही उन्नाव जिले में धड़धड़ाती मशीनें बंद हो गई, सड़कें सूनी हो गई, दुकानों में ताले लटक गए और लोगों ने अपने आप को घरों की चार दीवारियों में कैद कर लिया। लेकिन जिले में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप को घरों में बंद तो कर लिया, लेकिन उनकी आंखें हमेशा बाहर ही लगी रहती थी। दरअसल ये लोग वो थे जो रोज अपना तन जलाते थे, तब उनके घरों के चूल्हे जलते थे। लॉकडाउन लगते ही काम तो बंद हो गया, पर घर का चूल्हा नहीं बंद हुआ। पेट की आग को बुझाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत थी, वो ईंधन हर दिन के साथ खत्म हो रहा था। ऐसे में गरीब मजदूर परिवार को भूखे पेट सोने की नौबत आ गई। जो घर के बड़े हैं वो तो किसी न किसी तरह भूख को भूल जाते, लेकिन बच्चों को कैसे भूखा सुलाया जाए। हर गरीब माँ बाप इसी उलझन में था कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने कुछ लोग चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथों में खाने के पैकेट लिए हुए दिखे। उन्होंने कहा, दीदी खाना लाए हैं, कितने लोग हैं सबके लिए ले लो। जी हाँ, ये कहानी नहीं है, ये उन्नाव शहर की हकीकत है। शहर में लॉकडाउन होने के बाद कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए शहर के कुछ लोगों ने दिन रात एक कर दिया। एक एक कर आज हम आपको उन्नाव शहर के इन सुपर हीरोज के बारे में बताएंगे जिन्होंने दूसरों के दर्द को अपना दर्द बना लिया। सभी को पड़ा हमारा। उन्नाव जिले में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद भी कोई एक ऐसा नेता था जो अपने घर में न रहकर बाहर सबसे ज्यादा दिखा। वो नेता है उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता। लॉकडाउन लागू होने के बाद पंकज गुप्ता ने अपने आप को घर की सुरक्षित दीवारों के बीच कैद कर लोगों की सेवा की बातें नहीं की, बल्कि खुद जमीन पर उतरकर मजबूर और गरीब लोगों तक खाना पहुंचाया। जहां वो नहीं पहुंच सके, वहां अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के जरिए हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई। लॉकडाउन के दौरान किसी गरीब को भूखा न सुना पड़े, इसके लिए विधायक पंकज गुप्ता ने एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया। इन नंबरों पर लोगों को कॉल कर बस अपना पता बताना होता था। इसके बाद कुछ देर में ही पंकज गुप्ता टीम के वॉलंटियर्स उनके पास एक हफ्ते का राशन लेकर पहुंच जाते हैं। कोई भी नागरिक, कोई भी जनता का व्यक्ति अपने घरों में रहे और सारी सुविधाएं हम सब प्रयास करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम करें। इसी दृष्टि से तमाम सारी योजनाएं और तमाम सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से घर घर सामान पहुंचाने की हम लोग कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस व्यवस्था से चूक रहा है, वहाँ तक वो व्यवस्था नहीं पहुँचा रही, हम लोगों ने इसीलिए अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, एक कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया है कि अपने 50 ऑनलाइन जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से यदि कोई इस नंबर पर फ़ोन करता है और उसको किसी प्रकार की भी खाद्य सामग्री, दूध, पानी, फल, सब्जी, किसी प्रकार की राशन की आवश्यकता है, तो यहाँ नोट करा सकता है, हमारे वॉलंटियर उनके घर तक पहुँचाने का काम करें। इस दौरान पंकज गुप्ता ने अपने नाम की जय जयकार नहीं करवाई। अगर किसी कार्यकर्ता ने उनका स्वागत फूल मालाओं से करना चाहा तो उसे रोक दिया।
शांति से अपना काम किया और लोगों के दिलों में अपना घर बनाते चले गए। विधायक पंकज गुप्ता ने सिर्फ राशन और खाने के पैकेट बंटवाने पर ही अपना ध्यान नहीं लगाया, बल्कि शहर में सैनिटाइजेशन की शुरुआत भी विधायक पंकज गुप्ता ने की। सरकारी राशन की दुकान में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर वहां पहुंचकर कोटेदार को हटाया तो गरीब लोगों को उनका हक भी दिलवाया। शहर को कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए विधायक पंकज गुप्ता ने शहर की सीमा में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। मुझे खुशी होती है कि आज उन्नाव सुरक्षित है, हम सब लोग अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे समाज में है और जो निराश्रित है, जिसके पास कोई आय का संसाधन नहीं है, उसका भरपेट भोजन की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। शहर के कई लोग विधायक पंकज गुप्ता के इन कामों की तारीफ कर रहे थे तो वहीं कई ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये सब दिखावा लग रहा था, लेकिन लोगों की बातों की परवाह किए बगैर विधायक पंकज गुप्ता हर दिन गरीबों की सेवा में लगे रहे। विधायक पंकज गुप्ता जहां जाते लोगों की भीड़ लग जाती, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इसका सलूशन निकाला और लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने लगे। इससे भीड़ भी नहीं लगती और लोग अपनी समस्याएं सीधे उन्हें बता पाते। राशन वितरण का काम कर रहे हैं, लेकिन खुद मैनुअली हर जगह गांव में पहुंचना, हर वार्डो में पहुंचना, हर लोगों तक पहुंचने में काफी समय लग रहा था, इसलिए ये वीडियो वैन हम लोगों ने बनवाई है। इस वीडियो मैच के माध्यम से एक दिन में 10 गांव और 2-3 वार्डों का शहरी क्षेत्र में हम लोग वितरण करा पाए। जब हमारी वीडियो वैन जाएगी तो वहां पर मुख्य रूप से वहां के लोगों की जो समस्या है वो भी इस वीडियो वैन के माध्यम से लाइव वार्ता करके हम लोग उनकी समस्याओं को जान पाएंगे और आगे उन समस्याओं का निराकरण पाएंगे। विधायक पंकज गुप्ता ने लॉकडाउन की शुरुआत से अभी तक लगातार मदद की आस में बैठे लोगों तक राशन पहुंचाकर हजारों गरीब परिवारों को चेहरे से मायूसी के बादलों को हटाकर मुस्कान के फूल खिला दिए हैं।